दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म मॉक्स क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एलिग्री। एलिग्री जो कि स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप केवीएस या एनवीएस या डीएसएसबी के लिए, अगर किसी भी स्टेट की टीचर भर्ती परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये फिगर ऑफ स्पीच वहाँ पर आपको काम आता है। तो आज की इस क्लास में हम एलिग्री पढ़ेंगे, और इससे पहले मैंने आपको कुछ और फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ाई हैं, जिसमें हमने गॉथिक, अभी ये हमारा रह गया है, बैलेड, ओड, सोनेट, एलिजी, एपिक, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जाकर देखें। और इसमें हम आज की इस क्लास में हम एलिग्री की बात करेंगे, एलिग्री के बाद हम गॉथिक की बात करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन एलिग्री। एलिग्री क्या होता है दोस्तों? एलिग्री का अर्थ क्या होता है, यहां से अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है? एन एलिग्री इज ए स्टोरी। एलिग्री एक कहानी होती है। एलिग्री में क्या होता है? कहानी होती है इन विच कैरेक्टर्स, जहां पर चरित्र, इवेंट्स, घटनाएं एंड डिटेल्स स्टैंड फॉर डीपर मीनिंग, जहां पर इसके जो कैरेक्टर हैं, इवेंट्स हैं, और इसके में जो पूरी इस एलिग्री में डिटेल्स होती है ना, वो एक गहरा अर्थ देती हैं, डीपर मीनिंग देती हैं। ऑफन टीचिंग ए लेसन, एक्सप्लेनिंग एन आइडिया। खास तौर पर एक एलिग्री हमें कोई ना कोई सबक सिखाती है, कोई ना कोई मॉरल देती है, कोई ना कोई एक पाठ पढ़ाती है हमें, और अपने आइडियाज को जो है एक्सप्लेन करती है। तो हम कह सकते हैं कि एलिग्री एक स्टोरी होती है, जिसमें कैरेक्टर्स, इवेंट्स, डिटेल्स जो होते हैं वो एक गहरा अर्थ रखते हैं। जैसा हम पढ़ते हैं उन लाइनों से हमें सीधी बात समझ में नहीं आती है, इसमें अर्थ छुपा होता है, एक गहरा अर्थ होता है, एक गहरा मीनिंग होता है, और पढ़ने वाले को कोई ना कोई उससे एक सीख मिलती है, एक अच्छा वहां से लेसन हमें मिलता है वहां पर, और इसमें आइडियाज को बड़े विस्तृत तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। तो पहला पॉइंट हमारा ये था। और दूसरा क्या है कि एन एलिग्री कन्वेज डीपर मॉरल, कि ने जो एलिग्री है वो ऊपर बात आ ही चुकी है कि एक गहरा एक मॉरल हमें जो है ये एलिग्री देती है। कोई सी भी एलिग्री हम अगर पढ़ें तो स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल मीनिंग, इसके अपने जो है स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल मीनिंग्स होते हैं। और एलिग्री की बात और हम आगे करें तो एलिग्री इज ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स रिप्रेजेंट ब्रॉडर कंसेप्ट एंड कन्वे डीपर मीनिंग्स। तो वही बात ऊपर से आ रही है यहाँ पर कि एलिग्री जो होती है एक फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पर आप इसको ए को थोड़ा सा अलग मानेंगे, ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स, जहाँ पर एलिग्री में जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, वो एक ब्रॉडर कंसेप्ट जो है हमारे सामने, विस्तृत एक कंसेप्ट हमारे सामने रखा जाता है एंड कन्वे डीपर मीनिंग। लेकिन उस पूरे विस्तृत जो आइडियाज की जहाँ पर वहाँ बात होती है, उनका मीनिंग जो होता है हर किसी के समझ में आने से परे होता है। इसके मीनिंग को समझने के लिए हमें एलिग्री के बारे में पता होता है, तभी हम उसके मीनिंग को समझते हैं। कोई भी एलिग्री पढ़ने से हम जो है उसके डीपर मीनिंग तक पहुंचना होता है, और कोई ना कोई एलिग्री अपनी स्टोरी के माध्यम से, एलिग्री एक स्टोरी है, उस स्टोरी के माध्यम से हमें ना कोई एक सबक भी सिखाया जाता है, हमें एक लेसन बताया जाता है, हमें एक उस जैसे किसी स्टोरी का मोरल होता है ना लास्ट में, वैसे ही एलिग्री जो है हमें किसी न किसी मोरल पर, किसी न किसी निष्कर्ष पर ले जाती है। तो दोस्तों, ये स्कूल लेक्चरर के लिए फिगर ऑफ स्पीच में हमारा एक टॉपिक है एलिग्री। छोटा सा है, इसको समझना है काफी काफी है, इतना इन लाइनों से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है कि ऐसा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर जो है डीपर मीनिंग होता है, और हमें कोई ना कोई एक लेसन को वो टीच करके जाता है, उसको क्या कहते हैं, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। तो इसके पीछे की जो मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाए हैं, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लें। वहां पर मैं एपिक की बात कर चुका हूँ, इसके अलावा मैं एलिजी की बात कर चुका हूँ, इसके अलावा मैं सोनेट की बात कर चुका हूँ, इसके अलावा मैं ओड की बात कर चुका हूँ, और इसके अलावा मैं बैलेड की बात भी कर चुका हूँ, और आज के इस वीडियो में हम एलिग्री की बात कर रहे हैं। इसके अलावा गोथिक, गोथिक प्ले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये अगर आप स्कूल लेक्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर ये सारी फिगर ऑफ स्पीच आती है।
इसके बाद हम लिटरेरी ड्रम्स की भी बात करेंगे, ठीक है। ये एक और रह गया है इसमें गोथिक प्ले, इसको भी अगले वीडियो में करा दिया जाएगा। उसके बाद ये इन सब के ऊपर अपन एक क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे, इन सब के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो को जरूर देखें और फिर इन सारी चीज़ों में फ़र्क करें कि एपिक एलिजी से अलग कैसा है, एलिजी और सोनेट में क्या फ़र्क होता है, ओड और बैलेड में क्या फ़र्क होता है, एलिग्री इस वीडियो में बात हो ही चुकी है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम गोथिक की बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद जब आप इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन है इजीली समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।